फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज मल्टीटास्किंग मॉम ललिता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज मल्टीटास्किंग मॉम ललिता एंड आई एम ललिता। सो फ्रेंड्स, जस्ट ये मेकअप लुक करने के पहले मैंने एक सीरम यूज़ किया था और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग लगा। एंड वो सीरम की बात करूँ मैं तो ये फ्रेंड्स गार्नियर एंड सीरम मार्क्स सकुरा वाइट एंड जो कि आते हैं 99 रुपीज़ में। इसके फुल डिटेल्स मैंने दिया है हाउ टू यूज़ एंड यू नो कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। सो प्लीज़ मेरे वीडियो पूरे चेक करना एंड आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स। और काफ़ी अच्छा ये है, आपको इसमें रिकमेंड करता है 15 मिनट, बट इसे आप 30 मिनट्स तक एटलीस्ट रखिए एंड देन योर स्किन लुक सो यू नो सो ब्राइट एंड सो मच यू नो वी कैन से जो डलनेस है और जो भी डार्क सर्कल है वो सब यू नो डिसअपियर हो जाता है। सो मैं इसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद की एंड ये मैंने शायद फर्स्ट टाइम यूज़ किया है गार्नियर का इस तरह का कोई सीरम। सो मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा। एंड जस्ट मुझे शादी में जाना था फ्रेंड्स, तो मैंने कोई भी फेशियल नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो इसे ही ट्राई करती हूँ, बट इसने रिजल्ट बहुत ही यू नो अमेजिंग दिया है। तो यू कैन ट्राई ऑल्सो अगर आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फेशियल किसी कारण से नहीं कर पाते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड आप मेरी पूरी वीडियो प्लीज़ जरूर देखना, वीडियो प्लीज़ पूरी जरूर देखना एंड दैट्स इट फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। एंड तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बाल को टाइप कर लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया टिश्यू पेपर। सो ये सीरम अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को ज़रूर वॉश कीजिए और मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से जो अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। और अब हम चलते हैं जो टिश्यू मास्क है उसे लगाने। सो ये टिश्यू मास्क कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। सो इसे अच्छी तरह से कट करना है और ये बहुत ही डेलिकेट है फ्रेंड, तो आपको अच्छी तरह से इसे बाहर यू नो अच्छी तरह से निकालना है। और एक्चुअली ये जो टिश्यू पेपर में भर भर के सीरम है फ्रेंड्स, बहुत ही यू नो आप देख सकते हो किस तरह से सीरम है। और यू नो सो अब इसमें आते हैं दो टाइप के टिश्यू पेपर, एक होते हैं वाइट कलर और एक है स्काई ब्लू। सो स्काई ब्लू को आपको आउटर एरिया में रखना है और जो वाइट पार्ट है उसे आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। सो कुछ इस तरह से मैं अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर लूँगी। और जो फ्रेंड्स मुझे टिश्यू पेपर मिला है ये प्रॉपर कटिंग नहीं हुआ है, सो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है नीचे से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है। सो बस मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी और ये ब्लू वाले को मैं बाहर निकाल दूँगी और बस आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना। तो आप देख सकते हैं कटिंग जो है मेरी प्रॉपर नहीं मिली है, सो मैं इसे भी अच्छी तरह से यू नो एडजस्ट कर लूँगी। सो इस तरह से मैं कुछ एडजस्ट कर लूँगी और मैं इस सीरम को यू नो इन्जॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स। 30 मिनट्स तक मैं अभी इसे रेस्ट करूँगी। और एक टिप्स आपके लिए फ्रेंड, ये जो ब्लू वाला है इसमें भी भर भर के सीरम लगे हुए हैं, सो आपको इसे अच्छी तरह से हाथों में अपने अप्लाई कर लेना है। सो मैं इसे अपने हाथों में अच्छी तरह से यू नो नेक एरिया में इसे रब कर दूँगी और 30 मिनट्स के बाद आप बस मैं इसे जो है ये मास्क उसे रिमूव कर दूँगी। और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर जो ग्लो है फ्रेंड्स, अमेजिंग ग्लो है। और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यू नो वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये मेरा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने पर्सनली यूज़ के लिए लिया था इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और पीछे जो मेरी मौसी जा रही है, प्लीज़ इग्नोर ऑल द थिंग्स। और आप देख सकते हो उसके बाद मेरा रिजल्ट, जो मेरी स्किन है जो